पट्टन इन्होंने इतला की, धीरे धीरे यहीं पर काम करके नहीं पूरा इंतजाम करके यहाँ पूरा पब्लिक के लिए। मोहतरम नाजरीन, हम लोग इस वक्त सुरेंद्र नगर ज़िला के पाटड़ी गांव में एक तारीखी कब्रिस्तान में मौजूद हैं। यहाँ पर शाह उस्तादुल हिंद मुसन्निफ़े कुतुब कसीरा हज़रत अल्लामा मौलाना शाह सैयद वजीहुद्दीन अलवी हुसैनी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह के दादा जान जद्द अमजद सैयद इमादुद्दीन के मुकद्दस मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए यहाँ मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी नसीब हुई। अल्लाह ताला उनके फ़ुज़ व बरकात से हमें मालामाल फरमाए। फिल वक्त साहिब मज़ार के साहिब सज्जादा अली जनाब शाह सैयद शफीउद्दीन बाबा साहब क़िबला यहाँ मौजूद हैं, जो आपके ख़ानदान से हैं और आपके सज्जादा नशीन हैं। तो हमारे मुहिबान गिरामी गुजरात के उलमा जो इंग्लैंड बरतानिया में रहते हैं, बहुत सी किताबें शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह की इन्होंने शाये फरमाई है, जैसे हाशिया बेज़ावी है, हाशिया शरह जामी है, दीगर बहुत सारी कुतुब हैं, मलफूजात अलविया है, रिसाला अलविया है। इस तरीके से अभी उन्होंने एक बेहतरीन 10वीं और 11वीं सदी हिजरी के बरे सगीर के बुजुर्गान दिन में से हज़रत मिर्ज़ा लाल बदख़शी रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी लिखी हुई किताब समरातुल कुद्स मिन शजरातिल हिंद में उन्स में से माखूज शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती की एक तारीखी जो किताब है उसमें से कुछ इक्तसाबात लेकर एक किताब शाया की है, जिसका नाम है हयात शाह वजीहुद्दीन गुजराती। ये असल में अरबी गुजराती है लेकिन इसका तर्जुमा उर्दू में हो चुका है, तो हम साहिब सज्जादा के मुकद्दस हाथों में ये तोहफा पेश करेंगे। परवरदिगार इस मुकद्दस जगह पर हाजिरी दी हम तमाम लोगों ने, हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए और सरकार के हाथों से दी हुई इस मुकद्दस मौला जो कुछ भी हमें इनायत नसीब हुई है परवरदिगार उसमें इजाफाता फरमाए और हम तमाम लोगों में इखलाक और मोहब्बत नसीब अता फरमाए। सरकार इमादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अजमईन का रहम करम की नजर इनायत नसीब अता फरमाए। और ये जमात रज़ा मुस्तफ़ा बरतानिया जो उलमाए किराम है गुजरात के और दूसरे जो मुखलिस लोग हैं मिलकर ये किताबें शाये करते हैं, उनमें से एक नायाब किताब फिर छपी है जिसका नाम है औराद वजिया, यानी शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह के 400 साल पुराने कदीम फारसी मखतूते से तखरीज के साथ, तहकीक के साथ, तर्जुमे के साथ आपके वजीफे और औराद इस किताब में शाये किए गए हैं। ये किताब भी हम शाह वजीहुद्दीन अलवी गुजराती के दादा जान के मज़ार पर मौजूद उनके साहिब सज्जादा के मुकद्दस हाथों में पेश करें और अर्ज़ करें कि जमाते रज़ाए जमाते मुस्तफ़ा जो बरतानिया के लोग इन्हें काम कर रहे हैं उनके लिए वो दुआ करते रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, रब्बुल आलमीन उनके रिस्क में, इनकी उम्र में, इनके तमाम इल्मों में बेशुमार बरकतें अता फरमाए और तमाम लोगों की हमारी इस मुकद्दस जो खिदमत हैं इस मुकद्दस खिदमत को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत सरकार सैयदना शाह इमादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वजह की दुआओं के वसीले से बाकायामत तक जारी और शारी रहे। या रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों की इस मुकद्दस इबादत को कबूल फरमाए और सरकार की हम पर रहम करम की नज़र इनायत नसीब अता फरमाए। आमीन रब्बना आमीन اللهم ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا نكونن من الخاسرين اور عظیم محدث گزرے علامہ محمد صدیق بن محمد شریف پٹنی رحمتہ اللہ علیہ نے پاٹن کے رہنے والے ہیں ان کی کتابیں صفات المؤمنین والمنافقین یہ بھی عربی میں ہیں اور اس کا الحمدللہ اردو ترجمہ جماعت رضائے مصطفیٰ یو کے والوں نے شائع کیا ہے جس کا اردو ترجمہ ہے مومن اور منافق احادیث نبوی کی روشنی میں इसमें हदीसें बयान की गई मोमिन और मुनाफिक के बारे में। ये किताब भी हम हजरत के हवाले तोहफे में पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, नेक काम में मौला और हम तमाम लोगों को बरकत अता फरमाए और नेक काम में हम तमाम लोगों की मौला बेहिसाब बे इंतहा मोहब्बत हम तमाम लोगों की इखलाक और मोहब्बतों से रहने की तोहफीक अता फरमाए।